हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोग पार्ट वन की बात कर चुके हैं, आज उसी चैप्टर में पार्ट टू को बात करेंगे। सो नाउ विल स्टार्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर के आज दूसरे पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं पीसीटी, ठीक है। पीसीटी डियर स्टूडेंट, जो पीसीटी होते हैं डेट इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डेट इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक, डेट इज पीसीटी। यहाँ पे पीसीटी के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से निर्मित होते हैं, यानी कि यह ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से बने होते हैं, ठीक। तो आप कह सकते हैं ये जो होती हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से बनी होती हैं, ठीक है ना। इनकी जो सेल्स होती हैं, इनकी जो लेयर होती है, वह ब्रश बॉर्डर सेल से बनी होती हैं। और जब ब्रश बॉर्डर सेल से बनी होती है, इसके अंदर माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट, इसके अंदर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ठीक। इसके अंदर माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट, इसके अंदर क्या पाया जाता है, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं, जब माइक्रोविलाई यहाँ पे पाए जाएंगे, इसके अंदर पीसीटी के अंदर कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, किसके थ्रू होता है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। तो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर इन, कहां पे होता है, अकर इन पीसीटी, पीसीटी के अंदर होता है, ठीक है। कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर इन पीसीटी, ठीक है ना, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक, किसके थ्रू होता है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे पीसीटी डेट इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक। इनकी सेल्स, इनकी जो लेयर होती है, वो ब्रश बॉर्डर्स एपिथेलियम से बनी होती हैं। इसके अंदर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो कि कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड के थ्रू, ठीक है। देन हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की, आइए देखते हैं लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की, आइए इसके आगे बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। डियर स्टूडेंट्स, लूप ऑफ हेनले जो होते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक, लूप ऑफ हेनले, यह पीसीटी के बाद इसके हम स्टडी करते हैं, ठीक है। पीसीटी के बाद इसकी हम स्टडी करते हैं लूप ऑफ हेनले की। लूप ऑफ हेनले में टू पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखोगे, तो वहां पे जो माइक्रोट्यूबुल्स, फिर उसके बाद पीसीटी, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले डीसीटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये क्या करता है, फैकल्टेटिव वाटर एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, क्या करवाता है। यहाँ पे इसके पहले हम और बात कर लेते हैं कि जो लूप ऑफ हेनले होता है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है डेट इज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हेयर
पिन लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हेयर पिन लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके बाद ये एनिमल्स के अंदर लॉन्ग होते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग इन एनिमल्स, ठीक, लॉन्ग इन एनिमल्स, लॉन्ग इन एनिमल्स, जो क्या करते हैं, विच सिक्रीट हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन, ठीक है, जो क्या करते हैं, विच सिक्रीट्स हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन, विच सिक्रीट हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन। सो डियर स्टूडेंट्स, लूप ऑफ हेनले जो होता है, यह इसका जो स्ट्रक्चर होता है, डेट इज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, यह लॉन्ग होते हैं एनिमल्स में, लॉन्ग इन एनिमल्स में, जो क्या करते हैं, विच सिक्रीट्स हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन, ठीक है ना, विच सिक्रीट हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन को सिक्रीट करते हैं, ठीक। देन हम बात करते हैं डीसीटी की, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, ठीक। देन आइए हम बात करते हैं डी सी टी डियर स्टूडेंट, जो डी सी टी होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डेट इज डी सी टी, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, जो डी सी टी होते हैं, ये फैकल्टेटिव वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है, फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं, फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है, मेडिएटेड बाय एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है ना, जो कि किसके मेडिएटेड होते हैं, मेडिएटेड बाय एंटी डायरेटिक हार्मोन, मेडिएटेड बाय एंटी डायरेटिक हार्मोन, डेट इज ADH, ठीक है ना, डेट इज ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो डियर स्टूडेंट्स, जो डीसीटी होते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ए फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन के फॉर्म में वर्क करते हैं, ए मेडिएटेड बाय एंटी डायरेटिक हार्मोन के, यह मेडिएटेड होते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन के, ए मेडिएटेड होते हैं, ठीक। देन हम नोट में बात करते हैं कुछ, आइए नोट में इंपॉर्टेंट बात करते हैं, नोट में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑब्लिगेटरी H2O रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन पीसीटी, लगभग कितने परसेंट, लगभग 70-80%, यानी कि ऑब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑब्लिगेटरी H2O रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन पीसीटी, टेक प्लेस इन पीसीटी, यानी कि ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन पीसीटी, लगभग कितने परसेंट, 70-80% यहाँ पे, ठीक है ना। ऑब्लिगेटरी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस कहाँ पे होता है, पीसीटी के अंदर, यानी कि लगभग 70-80% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक, आइए आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन,
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक, उसके हम यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मैकेनिज्म में, यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो आएगा यही छनेगा, ठीक है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है थ्रू पोडोसाइट, जो पोडो बाउमन कैप्सूल्स में जो पोडोसाइट लगे होते हैं उसी के थ्रू क्या होते हैं यहाँ पे, मतलब छनते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, थ्रू पोडोसाइट ऑफ बाउमन कैप्सूल, आप कह सकते हैं थ्रू पोडोसाइट्स ऑफ बाउमन कैप्सूल्स, थ्रू पोडोसाइट्स ऑफ बाउमन कैप्सूल्स, ठीक है। आरबीसी प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है ना, आरबीसी प्लाज्मा प्रोटीन आर लेफ्ट वाइल, आर लेफ्ट वाइल जबकि, ठीक है ना, आर लेफ्ट वाइल जबकि द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा फ्लूड, द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा फ्लूड वाइल, जबकि द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा फ्लूड रीचेज द ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, कहां पहुंच जाते हैं, रीचेज द ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है, जो कि डी प्रोटीनाइज्ड ब्लड प्लाज्मा होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, डी प्रोटीनाइज्ड ब्लड प्लाज्मा होते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में थ्रू पोडोसाइट्स ऑफ बाउमन कैप्सूल्स आरबीसी प्लाज्मा प्रोटीन आर लेफ्ट व्हाइल द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा फ्लूड रीचेस द ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, यानी कि जो जो प्रोडक्ट, जो मटेरियल्स यहाँ पे छन जाते हैं और जो नहीं छनते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं, अब आगे इसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी, ठीक है, आगे कौन सी प्रोसेस होगी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, ठीक है ना। इस कंडीशन में, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज वाटर साल्ट आर एब्जॉर्ब्ड, इसमें क्या होते हैं, ग्लूकोज वाटर साल्ट्स, ग्लूकोज वाटर साल्ट आर रीअब्जॉर्ब्ड, आर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज वाटर साल्ट आर एब्जॉर्ब्ड, जो कि क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं इनटू कैपिलरीज, कहां पे, इनटू कैपिलरीज, कहां पे हो जाते हैं, इनटू कैपिलरीज, बाकी क्या होते हैं, वाइल वाइल जबकि वेस्ट प्रोडक्ट आर रिटेन्ड, ठीक है, वाइल वेस्ट प्रोडक्ट आर रिटेन्ड, वाइल वेस्ट प्रोडक्ट आर रिटेन्ड, यहां पे डियर स्टूडेंट्स इस बात का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ग्लूकोज वाटर साल्ट आर एब्जॉर्ब्ड,
इनटू कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि वाइल जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिटेंड कर लिए जाते हैं, यानी पुनः पुनः रिटेनिंग हो जाती है उनकी। ठीक है, देन हम यहां पे आगे बात करते हैं। ठीक है, कि जो 80% रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ऑफ वाटर ऑकर इन पीसीटी। ठीक है, आप यहां कह सकते हैं कि 80% रीअब्जॉर्प्शन दैट इज ऑब्लिगेटरी, 80% रीअब्जॉर्प्शन दैट इज ऑब्लिगेटरी, दैट इज ऑब्लिगेटरी, ठीक है ना, ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, ठीक है ना, 80% रीअब्जॉर्प्शन दैट इज ऑब्लिगेटरी ऑफ वाटर, ऑफ वाटर अकर इन पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, अकर इन पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे 80% यानी कि लगभग 80% वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, रीअब्जॉर्प्शन वाटर का कहां होता है, पीसीटी में होता है और लूप ऑफ हेनले में होता है। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं, रेस्ट ऑफ H2O, बाकी का जो बचा हुआ H2O होता है वह फैकल्टेटिव अंडर द एक्शन ऑफ ADH। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं रेस्ट जो बाकी का रेस्ट ऑफ वाटर, जो बाकी का बचा हुआ पानी होता है H2O होता है, इज फैकल्टेटिव अंडर द एक्शन ऑफ ADH, इज फैकल्टेटिव अंडर द एक्शन ऑफ ADH, इज फैकल्टेटिव अंडर द एक्शन ऑफ ADH। ठीक है, तो आप यहां पे कह सकते हैं कि लगभग 80% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले में होता है, बाकी का जो बचा होता है वो रेस्ट ऑफ H2O इज फैकल्टेटिव अंडर द एक्शन ऑफ ADH। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं यहां पे। डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। डियर स्टूडेंट्स, जो ट्यूबुलर सिक्रीशन की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में देखते हैं हम कि जो के प्लस होता है एंड NH4+, ठीक, K प्लस एंड NH4+, यूरिक एसिड ड्रग्स, ठीक, यूरिक एसिड ड्रग्स, K प्लस NH4+, यूरिक एसिड ड्रग्स आर सिलेक्टेड इनटू ट्यूब्यूल्स फ्रॉम कैपिलरीज, आर सिलेक्टेड इनटू ट्यूब्यूल्स फ्रॉम कैपिलरीज, कैपिलरीज। ठीक है, यहां पे के प्लस NH4+ NH4+ यूरिक एसिड ड्रग्स आर सिलेक्टेड इनटू ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, सिलेक्टेड इनटू ट्यूब्यूल्स फ्रॉम कैपिलरीज, दिस प्रोसेस help in maintenance of ionic and acid base balance of body। तो आप कह सकते हैं this process यह process help in maintenance of ionic, help in maintenance
आप आयनिक. दिस प्रोसेस हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक, यानी कि आयनिक में H प्लस एन एच थ्री के प्लस एच प्लस एन एच थ्री के प्लस, ठीक है ना, एन एच थ्री के प्लस एंड एसिड बेस बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूड, ठीक है, ऑफ बॉडी ऑफ बॉडी फ्लूड ऑफ बॉडी फ्लूड. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे K प्लस ट्यूबुलर सिक्रेशन के प्रोसेस में K प्लस NH4 प्लस यूरिक एसिड ड्रग्स आर सिलेक्टेड इनटू ट्यूबुल्स फ्रॉम कैपिलरीज. दिस प्रोसेस हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक H प्लस NH3 K प्लस एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूड एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूड. ठीक, देन हम आगे बात करते हैं. देन डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बात करते हैं. यहाँ पे हम बात करते हैं नोट में इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, ठीक है, आइए देखते हैं नोट में. नोट की जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो इनिशियल HCO3 माइनस नियर अबाउट 90% इनिशियल HCO3 माइनस इनिशियल HCO3 माइनस डेट इज 90%, कितने परसेंट, डेट इज 90% इनिशियल HCO3 माइनस डेट इज 90% रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन पीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन PCT, reabsorption take place in PCT while जबकि, ठीक है ना, final HCO3 minus while जबकि जो final HCO3 minus while जबकि फाइनल एस सी ओ थ्री माइनस डेट इज 10%, डेट इज 10% टेक प्लेस इन डीसीटी, टेक प्लेस इन डीसीटी. डियर स्टूडेंट्स, यहां पे नोट में इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि इनिशियल HCO3 माइनस डेट इज 90% रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन पीसीटी वाइल जबकि फाइनल HCO3 10% कितने परसेंट 10% टेक प्लेस इन डीसीटी, ठीक है. देन हम आगे बात करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, आइए न्यू टॉपिक पे बात करते हैं. मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की बात करते हैं. मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन के कंसंट्रेशन की क्या मैकेनिज्म होती है. मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन,
यूरिन के कंसंट्रेशन की क्या मैकेनिज्म होती है, ठीक है, उसकी यहाँ पे हम बात करते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं काउंटर करंट, काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर करंट, इसको हम लोग काउंटर करंट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, काउंटर करंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ठीक है, इसको समझना यहाँ पे बहुत ही आसान है, ठीक है। काउंटर करंट प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है, इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड सो इज द फ्लो ऑफ ब्लड इन द टू लिंब्स ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है, फॉर्मिंग अ काउंटर करंट, ठीक है, फॉर्मिंग अ काउंटर करंट, दिस इंक्रीज द ऑस्मोलरिटी फ्रॉम 300 मोल ऑस्मोल पर लीटर इन कॉर्टेक्स टू 1200 ऑस्मोल पर लीटर इन मेडुला, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं इस कंडीशन में होता क्या है, ठीक है, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट समझते हैं आसानी से, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इन द लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इन द लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, हेनले इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सो इज द फ्लो ऑफ ब्लड एंड सो इज द फ्लो ऑफ ब्लड एंड सो इज द फ्लो ऑफ ब्लड इन द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, इन द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, इन द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा फॉर्मिंग अ काउंटर करंट, जिससे क्या फॉर्मिंग हो जाता है, काउंटर करंट की मैकेनिज्म फॉर्मिंग हो जाती है, ठीक है, फॉर्मिंग अ फॉर्मिंग अ काउंटर करंट, फॉर्मिंग अ काउंटर करंट, फॉर्मिंग अ काउंटर करंट, ठीक, दिस इंक्रीज द ऑस्मोलरिटी, जो क्या करता है, ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक, दिस इंक्रीज द ऑस्मोलरिटी, दिस इंक्रीज द ऑस्मोलरिटी, ठीक है ना, फ्रॉम 300 मोल पर लीटर, 300 मोल ऑस्मोलरिटी लीटर, ठीक है ना, ऑस्मोलरिटी पर लीटर, ठीक, पर लीटर माइनस वन, ठीक, लीटर माइनस वन टू, ठीक है ना, टू ट्वेल्व टू ट्वेल्व मोल ऑस्मोलरिटी ऑस्मोल पर लीटर माइनस वन, ठीक है ना, इन मेडुला, ठीक है। यहां पे बहुत ही आसानी से इस बात को समझिए कि द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इन अपोजिट डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यही, इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो फिल्ट्रेट का फ्लो होता है लूप ऑफ हेनले के अंदर इन अपोजिट डायरेक्शन में, कहां पे, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है,
एंड जबकि सो इज द फ्लो ऑफ ब्लड, सो इज द, और यही पे समझिए, सो इज द फ्लो ऑफ ब्लड इन द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, यहीं पे ब्लड का जो फ्लो होता है और टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा के अंदर होता रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मिंग अ काउंटर करेंट, इसी को कहा जाता है फॉर्मिंग अ काउंटर करेंट। ठीक, तो दिस इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी 300 मोर ऑस्मोल पर लीटर माइनस 1 टू 1200 मोर पर ऑस्मोल पर लीटर इन मेडुला, इन मेडुला के अंदर। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं। देन आइए हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि ये जो ग्रेडियंट है, जो अभी हमने ऑस्मोलरिटी की बात किया, यहाँ पे जो ग्रेडियंट शोज हो रहे हैं, दिस ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दिस ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। दिस ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ठीक, देन आइए आगे बात करते हैं। यहां पे देखते हैं कि जो NaCl आउट फ्रॉम असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप, ठीक, NaCl आउट फ्रॉम असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, या हेनले लूप भी कह सकते हैं, डेट विल डिपेंड ऑन लूप। ठीक है, हेनले लूप भी कह सकते हैं। तो NaCl आउट फ्रॉम असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, हेनले जो यहाँ पे अब आगे क्या करेगा, रिटर्न टू डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, रिटर्न टू डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है ना, जो क्या करेगा, रिटर्न टू डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, देन आगे बात करते हैं। यहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जो कि क्या करते हैं, रिटर्न ये भी करते हैं, रिटर्न टू असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, रिटर्न टू असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, रिटर्न टू असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि जो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले फाउंड इन कैमल फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले लॉन्ग लूप ऑफ हेनले फाउंड इन, ठीक है ना, कैमल टू फाउंड इन कैमल फॉर वाटर कंजर्वेशन, फाउंड इन
कैमल फॉर वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन. लॉन्ग लूप ऑफ हेनले फाउंड इन कैमल फॉर वाटर कंजर्वेशन. ठीक है, फॉर वाटर कंजर्वेशन. देन हम बात करते हैं आगे कंगारू राइड की. एनी की डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले फाउंड इन कैमल फॉर वाटर कंजर्वेशन, फॉर वाटर कंजर्वेशन. ठीक, देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे. जो कंगारू राइट होते हैं, कंगारू राइट होते हैं कैन अचीव कर सकते हैं 90% ऑफ इट्स वाटर रिक्वायरमेंट, 90% ऑफ इट्स, 90% ऑफ इट्स वाटर रिक्वायरमेंट, ऑफ इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू मेटाबोलिक वाटर प्रोड्यूस्ड. जो कहां से, थ्रू मेटाबोलिक वाटर प्रोड्यूस्ड. ठीक है ना, थ्रू मेटाबोलिक वाटर प्रोड्यूस्ड. ठीक है ना, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन दैट इज बिहेवियरल एडाप्टेशन. ठीक, आप कह सकते हैं ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन दैट इज बिहेवियरल, बिहेवियरल एडाप्टेशन, दैट इज बिहेवियरल एडाप्टेशन. ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कंगारू राइट जो होते हैं कैन अचीव 90% ऑफ इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू मेटाबोलिक वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, दैट इज बिहेवियरल एडाप्टेशन की कंडीशन में आते हैं. ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं. आइए हम लोग आगे बात करते हैं. रूट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन का रूट क्या होता है. ठीक है, रूट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. डियर स्टूडेंट्स, रूट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन का रूट क्या होता है. ठीक है, यहां पे सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट होगी कहां से, ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेशन से. यानी कि फिल्ट्रेशन होगा यानी कहां पे, कैप्सूल में. तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल से शुरू होगा ये प्रोसेस, देन कहां पे जाएगा, पीसीटी में जाएगा. ठीक है, पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. देन कहां जाएगा, लूप ऑफ हेनले के अंदर जाएगा. ठीक, लूप ऑफ हेनले के अंदर जाएगा. ठीक, फिर उसके बाद डीसीटी में जाएगा, कहां जाएगा, डीसीटी में जाएगा. डीसीटी के बाद कहां जाएगा, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. डीसीटी के बाद सीटी में जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, सीटी में जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बाद जाएगा डक्ट ऑफ वेलिनिन के अंदर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ वेलिनिन. ठीक है, डक्ट ऑफ वेलिनी में जाएगा. वेलिनी के बाद कहां, माइनर कैलिक्स देन मेजर कैलिक्स. इसके बाद माइनर कैलिक्स देन
major calyx. Then major calyx, इसके बाद कहाँ जाएगा? इसके बाद जाएगा, ठीक है, माइनर मेजर रिनाल पेल्विस के अंदर जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा? रिनाल पेल्विस. रिनाल पेल्विस के बाद कहाँ जाएगा? यूरेटर के पास आएगा. कहाँ जाएगा? यूरेटर. इसके बाद कहाँ जाएगा? यूरेटर. यूरेटर के बाद कहाँ जाएगा? यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा. कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा. यूरिनरी ब्लैडर के बाद कहाँ जाएगा? यूरिथ्रा में जाएगा, ठीक है. उसके बाद कहाँ जाएगा? यूरिथ्रा में जाएगा. यूरिथ्रा में जाएगा, यूरिथ्रा में जाएगा, ठीक. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज रूट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. दैट इज रूट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. दैट इज रूट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. सबसे पहले इस फॉर्मेशन में जो रूट होगा वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल से होगा. यहाँ के बाद पीसीटी के पास आएगा. पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले में, देन डीसीटी, देन सीटी कलेक्टिंग ट्यूबल्स, देन डक्टा वेलनी, देन माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनाल पेल्विस, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरिथ्रा से पास आउट हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जो यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा जो होता है यूरिथ्रा का जो साइज होता है यूरिथ्रा जो होता है इन फीमेल, फीमेल के अंदर यह कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर का होता है इन फीमेल, 4 सेंटीमीटर. वाइल जबकि, वाइल जबकि इन मेल, मेल के अंदर 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना. यूरिथ्रा, यहां पे यूरिथ्रा इन फीमेल 4 सेंटीमीटर एंड इन मेल्स 15 से 20 सेंटीमीटर. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमने पार्ट टू की बात किया, तो आज के इस क्लास में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास पे. सो थैंक यू, बने रहिए, लगातार देखते रहिए.